चलो आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्र धातु एलोए। एलोए किसको बोलते हैं और इसको क्यों बनाते हैं और क्या क्या मिलाकर बनाते हैं, इससे हर साल पॉलिटेक्निक में 2-3 सवाल रहेगा, रेलवे एसएससी कोई भी एग्जाम दो इससे सवाल रहेगा। तो सबसे पहला बात हम लोग समझते हैं एलोए बोलते किसको है। तो नाम हिंदी में क्लियर है, मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब मिश्र करना यानी मिलाना है, तो एलोए उसको बोलते हैं। दो या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल को क्या कर दो, मिला दो, उसी को क्या बोलते हैं, एलोए। तो एलोए में क्या करते हैं हम लोग, दो को मेटल लेते हैं या नॉन मेटल लेते हैं या दो से ज्यादा लेते हैं, उसको आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। मिलाने से क्या बनेगा, एलोए। तो पहला बात आएगा कि इसको क्यों मिलाते हैं, एलोए बनाते क्यों है। तो एलोए बनाते हैं बाबू जैसे लोहा, लोहा में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्या होते रहता है, जंग लगते रहता है। एल्युमिनियम में प्रॉब्लम बाबू थोड़ा सा कमजोर है, तो एलोए बनाते हैं बाबू हम लोग उसका प्रॉपर्टी को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। जैसे लोहा में कार्बन वगैरह मिला के बना देंगे स्टील, क्या बना देंगे, स्टील। तो क्या स्टील में कभी जंग लगता है, नहीं लगता है। उसी तरह से हम लोग एल्युमिनियम में भी कुछ ना कुछ मिला देंगे और उसको क्या कर देंगे, स्ट्रोंग बना देंगे। उसी तरीका से जैसे आप पीतल नाम सुने होंगे, ब्रास, कांसा नाम सुने होंगे, ब्रॉन्ज, उस सब में भी जल्दी जंग नहीं लगता, क्यों, क्योंकि वो एलॉय है। जैसे एक चीज और समझिएगा, हमको बनाना हीटर का तार, तो हीटर बाबू टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, जल्दी वो मेरा तार क्या हो, जल्दी पिघले ना। तो अगर सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कौन मेटल का है, टंगस्टन, किसका है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का, बल्ब का फिलामेंट हम लोग टंगस्टन का ही बनाते हैं। तो यदि अगर टंगस्टन का हम हीटर का तार बना दें तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, तो हमको सस्ता भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए। तो अगर आप अल्मोनियम का फिलामेंट लगा दिए तो क्या होगा, आप चाय बनाते बनाते आपका अल्मोनियम का तार क्या होगा, पिघल जाएगा। तो हमको टंगस्टन का लगाएंगे तो महंगा हो जाएगा, और अल्मोनियम का लगाएंगे, लोहा का लगाएंगे तो जल्दी मेरा टूट जाएगा, पिघल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एलोए का लगाते हैं। क्या चीज लगाते हैं, एलोए का। जैसे सवाल आ सकता है कि हीटर का तार जो होता है किसका होता है, तो नाइक्रोम का होता है। तो नाइक्रोम कोई, नाइक्रोम जो है कोई मेटल है, नहीं, ये क्या है, एलोए है। किसका किसका एलोए है, तो इससे इजी सवाल बहुत इजी है, इसलिए ज्यादा पूछता नहीं है कि किसका एलोए है। लेकिन अगर पूछ दे तो नाम से देखिए कि यह है, एनआई का मतलब निकेल और क्रोमियम। नाइक्रोम किसका किसका एलोए है, निकेल और क्रोमियम। तो इसका मैंने पूछता नहीं क्योंकि नाम से ही आप बता दोगे। तो आज हम लोग एलोए सीखेंगे एकदम इजी वे में, ट्रिक में। हम लोग आराम से कोई भी एलोए एकदम इजी वे में ट्रिक करेंगे और 2 नंबर तो पक्का हम लोग का हो जाएगा। हर साल पॉलिटेक्निक में 2 नंबर तो आना ही है। चलिए एलोए किसको बोलते हैं, समझ गए। दो या दो से ज्यादा मेटल को या नॉन मेटल को क्या कर दो, मिला दो। अब एक सवाल आएगा, इसको कैसे मिक्स करेंगे। लोहा लिए, अल्मोनियम लिए, कॉपर लिए, ऐसे करके फिट दिए, नहीं, तीनों को क्या करेंगे, पिघला कर मिलाते हैं। कैसे करके, पिघला कर। पूछता है एलोए कैसा मिक्सर है, होमोजीनियस, होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस, हिंदी में बोलते समांगी मिश्रण की भी समांगी। तो आप पढ़े होंगे होमोजीनियस का मतलब ऐसा मिक्सचर जैसे दूध और पानी मिला दो, क्या दूध और पानी अलग अलग दिखता है, नहीं दिखता, तो कैसा मिक्सचर, होमो। लेकिन अगर आप मिला दे रहे हो बालू और चीनी को मिला दिए, या बालू पानी में डाल दिए, तो क्या बालू पानी मिक्स हो जाएगा, तो कैसा मिक्सचर, हेट्रोजीनियस। हम लोग जो खाते हैं खिचड़ी, वो कैसा मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, क्यों, क्योंकि उसमें चावल दाल उसका गोभी आलू सब क्या करता है, दिखता है। तो यदि अलग अलग दिखे तो हेट्रोजीनियस, और ना दिखे अलग अलग तो अच्छा तरह से मिक्स हो जाए तो होमोजीनियस। तो जल्दी बताइएगा, पूछेगा एलोए कैसा मिक्सचर, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, तो होमो। एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आप
पित्तल ले लो, पित्तल, पित्तल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास। तो पित्तल अगर आप ले लोगे तो पित्तल क्याची क्याची से बनकर मिलके बना हुआ है, एलॉय में सवाल आएगा कि पित्तल किसके बना हुआ है, किससे। तो पित्तल का देखो बाबू कितना इजी ट्रिक है, पिताजी। पित्तल को आप क्या याद कर लो, पिताजी। पी फोर पित्तल, ता फोर तांबा, और जी फोर जिंक, यानी कॉपर और जिंक। पित्तल किससे बना हुआ है, कॉपर और जिंक से। अभी लाइन से पूरा एलॉय का हम लोग ट्रिक देखेंगे। तो एलॉय क्या है वो समझना चाह रहे थे। तो क्या आपको पित्तल का जो बर्तन होता है उसमें आपको तांबा और जिंक अलग अलग दिखता है, नहीं दिखता है। तो कैसा एलॉय, एलॉय कैसा मिक्सर, होमोजीनियस। एलॉय कैसा मिक्सर, होमोजीनियस, समांगी मिश्रण। तो एलॉय बनाते क्यों है, इजी वे में समझिए। जैसे कोई जो है हमको ऐसा मेटल चाहिए जो जल्दी ना पिघले और सस्ता चाहिए। तो अल्मोनियम जो है सस्ता मेटल है, लेकिन वो जो होता है जल्दी पिघल जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 500-600 डिग्री सेल्सियस के लगभग है। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्मोनियम में कुछ ना कुछ क्या करते हैं, मिला देते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझो कि कोई जो है हमको ये जो है, मतलब एक बच्चा है वो क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट है, एक बच्चा फुटबॉल खेलने में एक्सपर्ट है, एक बच्चा जो हॉकी खेलने में एक्सपर्ट है। हमको ऐसा बच्चा चाहिए जो तीनों खेलने में एक्सपर्ट हो। तो क्या करो, थोड़ा थोड़ा तीनों को लेके मिक्स कर दो। लेकिन ये हम लोग आदमी लोग में तो कर नहीं सकते हैं, ये हम लोग एलॉय में कर सकते हैं। जैसे हमको कोई एक बच्चा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है और एक बच्चा है जो खेलने में बहुत अच्छा है, और हमको कोई ऐसा बच्चा चाहिए जो पढ़ने के साथ साथ खेलने में भी अच्छा हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पढ़ने वाला बच्चा है और खेलने वाला बच्चा, उसको क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो एलॉय के लिए हम एग्जाम्पल सिखा रहे हैं कि एलॉय में करते क्या है। जो मेटल जैसे मेल्टिंग पॉइंट आपको बढ़ाना है, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। तो आप क्या करो, टंगस्टन किसी चीज में क्या करो, मिला दो, वो मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, बढ़ा देगा। कोई आपको हार्ड चाहिए, हार्ड, तो आप क्या करो, कार्बन को मिला दो, क्या बना देगा, हार्ड। तो एलॉय का मतलब कुछ ना कुछ क्या करना है, आपको मिक्स कर देना है, ताकि उसका प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, हाई हो जाए, जल्दी जंग ना लगे, मजबूत हो जाए, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाए। मतलब जो प्रॉपर्टी आपको चाहिए, जैसा चाहिए, आप एलॉय के मकसद से कर सकते हो। एक एग्जांपल और समझ रहे हैं, जैसे कोई बच्चा मैथ में स्ट्रांग है लेकिन साइंस में कमजोर है, और एक स्टूडेंट है जो साइंस में स्ट्रांग है और मैथ में कमजोर है, क्या दोनों बच्चा सक्सेस उतना कर पाएगा। मैथ है तो साइंस भी उसको चाहिए, साइंस है तो मैथ भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बच्चा मैथ में ही स्ट्रांग है, एक बच्चा साइंस में ही स्ट्रांग है। तो काश ऐसा होता कि दोनों बच्चा का थोड़ा थोड़ा नॉलेज हम लोग क्या करते, मिला देते, और मिला देते तो क्या हो जाता, उन लोगों का प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हाई हो जाता, उन लोग क्या करता, कोई भी एग्जाम निकाल लेता। तो उसी तरह से एलॉय में हम लोग क्या करते हैं, जिसका जैसा जैसा प्रॉपर्टी होता है उस हिसाब से क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो चलो जल्दी से सीखते हैं हम लोग। तो एलॉय कैसा मिक्सर है, होमोजीनियस, समांगी मिश्रण। तो चलिए एलॉय में हम लोग ट्रिक बाय ट्रिक सीखते जाते हैं। तो चलिए पहला टॉपिक है एलॉय का आपका पित्तल। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स आपको अभी पढ़ाऊंगा, ताकि जो ट्रिक हिंदी से बन जाए वो हिंदी से बना लेना है, इंग्लिश में बने तो इंग्लिश बना दीजिए। तो पित्तल का इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, ब्रास। तो पित्तल का ट्रिक अभी मैंने बताया था, पित्तल मतलब पी से चालू है, तो मैं ऐसा ट्रिक बनाऊंगा जिसमें वो वर्ड आ जाए, ताकि आप भूलो ना। तो पित्तल को बना दो पिताजी। हिंदी बोलो, इंग्लिश हो, आप आराम से इससे कर सकते हो। पित्तल किससे बना हुआ है, तो पिताजी। पी फोर क्या बोलना है आपको, पित्तल। ता फोर क्या है हिंदी में, तांबा। जी फोर जिंक, यानी ये है बाबू क्या चीज का, कॉपर और जिंक। हिंदी में लिखना चाहते हो तो तांबा और जस्ता, हो गया। दूसरा बात कीजिए, कांसा, जो लाल टाइप का बर्तन आता ना, कांसा का बर्तन, इसको बोलते हैं ब्रोंज। या तो जो मेडल दिया जाता है, फर्स्ट प्राइज दिया जाता है गोल्ड, सेकेंड दिया जाता है सिल्वर, और थर्ड दिया जाता है ब्रोंज। क्लियर। तो फर्स्ट होता है ब्रोंज,
थोड़ा सा उसमें बीच बीच में छू देना एक बार, हाँ, ताकि स्क्रीन जो है फ्री हो जाए, ठीक। बीच बीच में 10-15 मिनट में ऐसे खाली छू देना, तुम छू देना पीछे से, एक बार छू दो, 5 मिनट थोड़ा थोड़ा हो जाता है, छू दो। अभी कोई नहीं टच किया है, कर दो। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे कांसा ब्रॉन्ज। तो जो मेडल होता है ना, फर्स्ट प्राइज गोल्ड मेडल, सेकेंड प्राइज सिल्वर मेडल और थर्ड प्राइज ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जिसको बोलते हैं। कि कांसा किससे बना हुआ होता है, इसका ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। तो देखो कांसा में का है, इसको बना दो काटता है, ऐसे भी याद कर सकते हो, पिताजी काटता है, क्या काटता है, छत चल रहा है, मुर्गा नहीं बोलना है ना, हाँ साग सब्जी बोलो। तो पिताजी काटते हैं, तो काटता का मतलब काफ और कांसा, टफ और क्या, टफ और तीन, तीन का सिंबल क्या है बाबू, ऐसे, और ता का मतलब जो तांबा हो गया, कॉपर, क्लियर। तो कांसा किसके बना हुआ होता है बाबू, टीन और तांबा, ये बना हुआ कॉपर और जिंक, ये बना हुआ कॉपर और टीन। तो दोनों में बाबू बहुत कंफ्यूजन है, हर बार एग्जाम में आता है, हम लोग को कंफ्यूज कर देता है, इसीलिए हम लोग का एक ट्रिक बन गया कि आप तुरंत याद कर लो कांसा किसका बना हुआ, तो काटता है, काटता, टप और क्या हो जाएगा, टीना, टीन, और ताप और तांबा हो जाएगा। इसका मेरे पास लिखा हुआ पेज में है अच्छा से, आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, और अगर दिक्कत होगा व्हाट्सएप करना मेरे नंबर पे, हम ये पेज को आपको सेंड कर देंगे, ट्रिक लिखा हुआ। चलिए तीसरा हम लोग पढ़ते हैं स्टील, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं स्टील। तो देखिए बाबू स्टील जो है बहुत सारा टाइप का है, अगर आप पॉलिटेक्निक एग्जाम निकाल लोगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मेटलर्जी इंजीनियरिंग पढ़ोगे, तो आपको स्टील का बहुत सारा टाइप पढ़ना है। तो स्टील जो है बहुत सारा टाइप का है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो बर्तन यूज करते हैं खाने वाला, वो होता है स्टेनलेस स्टील, चाकू वगैरह स्टेनलेस स्टील। एक होता है माइल्ड स्टील, एक होता है हाई स्पीड स्टील, कटिंग टूल जितना होता है, सुने हैं लोहा लोहे को काटता है, तो ये लोहा है यही लोहा से कटेगा नहीं, इससे उसको मजबूत होना चाहिए। तो एक सवाल आ सकता है कि कोई भी कटिंग टूल, लोहा को काटना, बड़ा बड़ा भारी भारी औजार को काटना है, तो किससे काटते हैं, तो हाई स्पीड स्टील से काटते हैं, HSS हाई स्पीड स्टील, ये भी क्या है, स्टील ही है। तो स्टील का बाबू बहुत सारा टाइप है, माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, बहुत सारा स्टील है, स्टेनलेस स्टील। उतना ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिंपल दो स्टील पढ़ना है, एक पूछेगा स्टील क्या चीज से बना हुआ है, और एक पूछेगा स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील, इसमें इंग्लिश में भी बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। चलिए तो आप बताइए स्टील किसका, तो देखो सिंपल ट्रिक, लोहा में कार्बन मिला दो, लोहा में क्या मिला दो, कार्बन, क्या बन जाएगा स्टील, लोहा में कार्बन मिला दो बन गया स्टील। उसके बाद आपको जो मन है मिलाते जाओ, वो अलग अलग टाइप का स्टील बनते जाएगा। तो हम लोग नहीं मिलाएंगे, जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं मेटलर्जी से, बेटे किए हुए उन लोग इस पे रिसर्च करता है। तो स्टील में हम लोग क्या करते हैं, लोहा में क्या मिला देंगे, कार्बन। सवाल आएगा स्टील बनाने के लिए आयरन में कौन सा नॉन मेटल मिलाते हैं, तो कार्बन। कार्बन जितना ज्यादा मिलाते जाओगे उतना स्टील हार्ड होते जाएगा, तो कार्बन का कुछ परसेंटेज फिक्स है, उससे ज्यादा आप मिला नहीं सकते हो, क्योंकि जो चीज हार्ड हो जाएगा उसको ऊपर से गिराओगे तो क्या हो जाता है, टूट जाता है। जो जितना ज्यादा हार्ड वो उतना ज्यादा ब्रिटल, तो इसीलिए ज्यादा भी हार्ड नहीं बनाना हम लोग को, लेकिन कार्बन को बढ़ाते जाओगे तो स्टील का हार्डनेस बढ़ते जाएगा। ये सब आप इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक में पढ़ोगे जब एडमिशन हो जाएगा तब, अभी नहीं जानना है। तो फिलहाल समझिए स्टील, तो देखिए स्टील के लिए आप इजी ट्रिक कर सकते हो, स्टील का रंग काला है, स्टील का रंग काला काला होता नहीं है बाबू,
आप लोग जो बर्तन यूज करते हो तो सादा होता है, मतलब चमकता है, तो स्टील सिर्फ ट्रिक बनाया है। स्टील का रंग लिख दीजिएगा, स्टील का रंग काला है। स्टील का रंग कैसा है? काला। काफोर कार्बन, काफोर कार्बन, अलाफोर लोहा, आयरन, आयरन को एफ भी लिख सकता है। तो इसको आप आराम से लिख लेना, स्टील का रंग काला है। इसको आप डायलॉग भी लिख सकते हो ऐसे, स्टील का रंग काला है। अभी काला का मतलब काफोर कार्बन, लोहा फोर लाफोर लोहा आयरन, क्लियर है? स्टील का रंग। तो अगर आपसे आप कोई पूछे स्टील का रंग कैसा है, काला, काला नहीं बोलना, काला ट्रिक है, क्लियर। चलो अब बात करो स्टेनलेस स्टील किसको बोलेंगे, इसमें क्या क्या मिला हुआ था स्टेनलेस स्टील में। तो ट्रिक बना लेना, देखो स्टील है तो लोहा और कार्बन तो होगा ही होगा, इसमें तो डाउट नहीं है। क्या और एक्स्ट्रा मिलाते हैं उसमें? तो देखिए एक ट्रिक बना सकते हैं कि सरकार जो है ना, जितना भी कॉलोनी में बना रहा है पेड़ को बचाने के लिए गोल घेर के बताता है ना, ताकि पेड़ को जानवर लोग ना खा पाए, तो उसको बना लो कि स्टील, जितना भी कॉलोनी है वो क्या चीज का बना दिया, स्टील का। कॉलोनी में क्या, पेड़ को ढकने वाला। तो आपको याद करना है सरकार क्या बनाया है, कॉलोनी स्टेनलेस स्टील का। ट्रिक कर लो, कॉलोनी किसका है, स्टेनलेस स्टील का। क्या चीज, कॉलोनी, कॉलोनी बोल दो, कॉलोनी, कॉलोनी होता है घर और कॉलोनी, मोहल्ला। तो स्टेनलेस स्टील का क्या बना दिया सरकार, कॉलोनी। तो कप और क्या, देखो लॉप और लोहा है आयरन, नी फोर क्या है, निकेल। और काफ और देखो कार्बन तो होता ही होता है, यहाँ पर एक वर्ड क्रोमियम भी हो जाएगा। अब यहाँ समझ लो अच्छे से, लोहा और कार्बन तो होगा ही होगा, अगर ऑप्शन में कार्बन नहीं भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कार्बन तो होगा ही होगा। देखिए यहाँ पर स्टेनलेस स्टील किसका बना हुआ होता है, लोहा तो होगा ही होगा, कार्बन भी होगा, उसमें क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम और निकेल। तो एग्जाम में कभी कभी सिर्फ क्रोमियम भी देगा या कभी कभी सिर्फ निकेल। तो अगर ये दोनों है तो भी सही, अगर सिर्फ क्रोमियम है तो भी सही, सिर्फ निकेल है तो भी सही, लेकिन ज्यादा देखा गया पूरा वेरीफाई होके कि दोनों होता है स्टेनलेस स्टील में। और काफ और क्रोमियम भी बोल सकता है, कार्बन भी बोल सकते हो। तो हो गया बाबू, तो फिर से बताना स्टेनलेस स्टील का क्या है बाबू, कॉलोनी। काफ और कार्बन भी बोल सकते हो, क्रोमियम भी, लो फॉर लोहा और नी फॉर निकेल। हो जाएगा, कोई दिक्कत है? स्टील का, स्टील का रंग काला है और स्टेनलेस स्टील कॉलोनी, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू, चार टॉपिक बढ़िया से हो गया। व्हाट्सएप करना, भी लिखा हुआ ट्रिक भेज देंगे। चलिए पांचवा हम लोग देख लेते हैं, पांचवा हम लोग देख लेते हैं डच मेटल। डच मेटल हिंदी में भी इसको डच मेटल ही बोलते हैं। कि डच मेटल किसका किसका बना हुआ है, डच मेटल। तो देखो बाबू इसका ट्रिक बनाए हैं हम, डच एक देश का भी नाम है, डच कंट्री। तो डच देश के लोग जो है ना ताज पहनते हैं, क्या पहनते हैं, उन लोग माथा पे जो राजा लोग पहले पहनते रहते हैं ताज, तो डच देश के लोग माथा पे क्या पहनते हैं, ताज पहनते नहीं है, ऐसी ट्रिक है, क्या पहनते हैं, ताज। बताइए क्या बन गया ट्रिक, काफ और तांबा और जफ और जस्ता जिंक, बन गया कॉपर और जिंक, ताप और तांबा यानी कॉपर, जफ और जस्ता यानी जिंक। तो आप ध्यान दीजिएगा, पीतल का भी तो यही था तांबा और जिंक, तो इसको देखो दोनों को हम मिक्स भी कर दिए। डच देश के लोग ताज पहनते, क्या चीज का, पीतल का, क्या चीज का, क्योंकि पीतल का मतलब पीतल, ताप और तांबा, पीतल का क्या ट्रिक था हम लोग, पिताजी, पिताजी,
तो देखिए तो पीतल, तांबा और जिंक, ये भी तो तांबा और जिंक, यानी पीतल और डच मेटल दोनों लगभग सेम एलॉय है, थोड़ा सा खाली उन लोगों का कंपोजिशन क्या है अलग अलग, किसी में कुछ ज्यादा परसेंटेज होगा किसी में कुछ कम होगा। तो क्या ट्रिक है, डच देश के लोग क्या पहनता है, ताज से भी हो जाएगा, पीतल का ताज भी कर लीजिएगा तो पीतल वाला भी आ जाएगा कि दोनों क्या है सेम है। तो डच मेटल में कोई दिक्कत नहीं, देखिए इसका ट्रिक इसीलिए बनाया क्योंकि आप रट्टा मार के जाओगे एग्जाम में, ऑप्शन सब मिलता जुलता रहेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो डच देश के लोग क्या पहनते हैं, ताज, पीतल का ताज या सिर्फ ताज बोल दो। आगे हम लोग सीखेंगे बेल मेटल। बेल मेटल का मतलब, अरे जिसे घंटी उंटी बनाया जाता है, बेल मेटल जो आवाज करे अच्छा से, बेल मेटल इसको क्या बोलेगा हिंदी में भी, बेल मेटल ही बोलो, घंटा मेटल थोड़े बोलेगा, घंटा मेटल। तो बेल मेटल किसके बना हुआ होगा, बेल मेटल। तो बेटल, बेल मेटल देखते होंगे मंदिर मंदिर में जो लगा हुआ रहता है, पीतल का तो जरूर होता है, मतलब उसमें तांबा उमा लगता है जरूर है, इसको क्या बोलिएगा, कैसे बनाइए, बेल मेटल बंद हो गया क्या, बोलिए बाबू बेल मेटल जल्दी बोलिए। देखिए इसके लिए बहुत इजी हम ट्रिक बनाए हैं बेल मेटल का, जैसे एक आप लोग सुने होंगे कुत्ता था, और कुत्ता वाला नहीं था मेनली था बिल्ली वाला स्टोरी, कि चूहा लोग बोल रहा था ना कि बिल्ली आता है तो हम लोग को क्या करता है, खा जाता है। तो एक काम करें हम लोग बिल्ली का गले में क्या बांध देते हैं, घंटी, ताकि बिल्ली कभी भी आए तो उसका घंटी आवाज सुना जाए हम लोग भाग जाए। तो ये फाइनल डिसीजन होगा चूहा लोग को कि एक काम करते हैं बिल्ली का गले में क्या बांधेंगे, घंटी, तो कभी भी वो आएगा तो पता चल जाएगा। अब ये फैसला होने के बाद बोला गया, जैसे एक बात बताओ बिल्ली का गले में घंटी बांधेंगे तो बच तो जाएंगे, लेकिन घंटी बांधेगा कौन, उसी से ट्रिक निकाले कि बेल मेटल घंटी बांधना है इस बार कुत्ता के गले में, बिल्ली लोग बांधेगा। तो इसका ट्रिक बनाओ, सनकी कुत्ता के गले में क्या बांधना है, बेल, सनकी कुत्ता मतलब जो पागल हो गया कुत्ता, तो सनकी कुत्ता में क्या बांधना है, घंटा। चलो देखो बेल मेटल, बेल मेटल अच्छा समझेंगे तो बेल मेटल मतलब घंटी जिसका बनाया जाता है, बेल मेटल का क्या बनाया जाता है, घंटी। अब घंटी तुम देखे होगे पीला कलर चाप में ही होगा घंटी मंदिर में, मेटल मतलब जिससे घंटी बनाया जाता है। सवाल आता है बेल मेटल किसका एलॉय है, तो बेल मेटल को जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेंगे इजी वे में। तो घंटी आप लोग देखे होंगे उसका कलर वगैरह पता चलता होगा, आज जो है बेले मेटल में अटक जाएंगे। चलो बेल मेटल जल्दी से सीखेंगे, बेल मेटल किसका बना हुआ होता है, तो जो घंटी बनाया हुआ होता है वो किसका होता है, बेल मेटल का होता है। इसको इजी ट्रिक है बाबू कि बिल्ली लोग जो है ना बोल रहा है, जैसे एक स्टोरी सुने हो आप, चूहा लोग बोलता था बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इस बार बिल्ली लोग बोल रहा है कुत्ता के गले में घंटी, कैसा कुत्ता, सनकी कुत्ता मतलब जो पागल कुत्ता है। तो देखो बेल मेटल का ट्रिक क्या है, सनकी कुत्ता के गले में क्या बांधना है, बेल घंटी, कौन कुत्ता, सनकी कुत्ता, सनकी कुत्ता के गले में आपको बांधना है, सनकी एसएन और कुत्ता यानी कॉपर, हो गया ट्रिक। सनकी कुत्ता के गले में क्या बांधना है, बेल, तो सनकी एसएन, सनकी कुत्ता कॉपर, यानी जो बेल मेटल होता है किसका होता है, कॉपर और टीन का, कॉपर और टीन का, एसएन का मतलब टीन होता है बाबू, यानी कॉपर और कॉपर और क्या टीन, तो बेल मेटल हो जाएगा कॉपर और टीन, सनकी कुत्ता। अब देखिए गन मेटल, वही सनकी कुत्ता जो है ना उसको गोली से मारना है, गन मेटल बंदूक बनाया जाता है बाबू, गन मेटल का बंदूक किसका बनाया होता है, गन मेटल का, अगर अल्मीनियम का बना दोगे मारो गोली इसको लग जाएगा उसको फटके, बंदूक का गोली निकलेगा तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्पीड होता है,
तो उसको गन मेटल का बनाया जाता है। इसका ट्रिक हम लोग बनाएंगे, सर की कुत्ता क्या हो गया, जख्मी हो गया, किससे, गन से। इसको बना दीजिए सर की कुत्ता जख्मी। क्या डायलॉग बन गया, सनकी कुत्ता जख्मी हो गया, किससे, गन से। तो सनकी यानी एसएन, कुत्ता यानी कॉपर, और जख्मी यानी जे। हो गया बाबू, सनकी कुत्ता क्या हो गया, जख्मी। क्या चीज से, सनकी कुत्ता जख्मी क्या चीज हो गया, गन से। हो जाएगा, तो गन मेटल पूछेगा तुरंत याद आ जाएगा, गन से कौन जख्मी हो गया था, कुत्ता हो गया, सन की कुत्ता जख्मी। उसके बाद देखिए जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर जो है एलोय है, जर्मनी इसको डेवलप किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया जर्मन सिल्वर। इसका ट्रिक है, जर्मनी से हम लोग कुत्ता नहीं लाए, जर्मनी से, हाँ जर्मन, जर्मन सफर्ड, जर्मन सफर्ड एक कुत्ता आता है, वो जर्मनी से निकले, लाए उसको, और क्या निकला, जख्मी निकला। जर्मनी का कुत्ता निकला जख्मी, जर्मनी का कुत्ता कैसा निकला, जख्मी, कुत्ता निकला जख्मी, कुत्ता यानी कॉपर निकल, और ये क्या हो गया, जीन। तो ये हो जाएगा जर्मन सिल्वर। तो आठ आपको ट्रिक आज बता दिए हैं, अब जितना एग्जाम में आया आप ऐसे भी पकड़ सकते हो कि सर जर्मन सिल्वर का ये होता है, तो इसका ये नहीं होगा, तो चार ऑप्शन में आप एलिमिनेट करके भी बना सकते हो। चलिए अब जल्दी से आपको मैं टेस्ट ले लेता हूँ, जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ क्या क्या हम पूछे थे सिखाए। चलिए जल्दी से पूछ लेते हैं, नहीं बदमाश, चलिए जल्दी से मैं पूछता हूँ, देखो आपको याद हो गया सर, भले आपको पता ना चला, सवाल मेरा है रहेगा पीतल किसका बना हुआ, तुरंत बोलिएगा पिताजी, पी का मतलब पीतल, ता का मतलब तामा, जी का मतलब जिंक, कांसा किसका बाबू, काटता है, ट और ता यानी तांबा और टीन। उसके बाद आपसे पूछेंगे हम स्टील, स्टील का रंग काला है, स्टेनलेस स्टील, कॉलोनी याद हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील का कॉलोनी। उसके बाद आपको डच मेटल, डच देश के लोग ताज पहनते, तांबा और जस्ता। उसके बाद आपको पूछेंगे बेल मेटल, सनकी कुत्ता के गले में बेल बांधा था। उसके बाद आपसे पूछेंगे हम गन मेटल, कुत्ता जख्मी हो गया गन से। उसके बाद पूछेंगे जर्मन सिल्वर, जर्मनी का जो कुत्ता था कैसा निकला, जख्मी हो गया। आज अगर आप और जानना चाहते हो तो एक बार बार पूछा जाता है, पिछले साल भी पूछा था, सोल्डर जो हम लोग सोल्डरिंग करते हैं ना, सोल्डर हिंदी बोलते हैं टाका, किसका होता है सोल्डर। इसका ट्रिक मैंने बनाया है कि यदि कोई आपका सोल्डर पे टाका लगाए तो सीटी निकल सकता है, सीटी नहीं आंसू निकलेगा, चिल्लाओगे, फिर इसको ट्रिक बोल दो, शोल्डर पे क्या लगाएगा टाका तो क्या निकलेगा, सीटी। शीशा का मतलब शीशा, सी का मतलब शीशा को बोलते हैं टीबी, और टी का मतलब तीन, तीन को क्या लिखते हैं, एसएन। बार बार सवाल पूछा है कि शोल्डर जो होता है टाका किसका बना हुआ है, तो शोल्डर पे कोई टाका लगा है तो क्या निकलेगा, सी का मतलब शीशा, टी का मतलब तीन। अब कोई बच्चा बोले नहीं सर टाका लगाने से सीटी थोड़े निकलता है, तो इसका दूसरा कंसेप्ट, यदि बाजार में आप घूम रहे हो अब आपके मुंह से सीटी निकल गया तो टाका लग सकता है, हो जाएगा, सीटी मुंह से निकल गया तो क्या लग सकता है टाका। अब हो गया बाबू क्लियर, तो इस तरह से आप पूरा ट्रिक बना सकते हो, अगर आप भी कोई अच्छा ट्रिक बनाया हो तो हमको भी कमेंट्स कर सकते हो, थैंक यू।